हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी में। मैं अर्षी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चारकोल फेस पैक जो आप घर में बना सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो आपको ये मार्केट में जो है अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हमें जो है वो केमिकल चीज़ों को जितना ज़्यादा हम यूज़ करें उतना हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि आपको कैसे जो है घर में चारकोल फेस पैक जो है आप बना सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चारकोल फेस पैक बनाने के लिए लिया है हल्दी। जी हाँ, हम हल्दी इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हल्दी जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से होने वाली जो हमारी स्किन ब्लैक पड़ने लगती है, जिसकी वजह से कई बार जो है चारकोल का भी हमें स्किन पर जो है असर नहीं पड़ता। हल्दी इसलिए यूज़ किया हमने क्योंकि हल्दी एक क्लीनर के रूप में काम करती है, क्लींजर के रूप में काम करती है, और आपकी स्किन पर जो भी ब्लैकनेस हो रखी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको ये एक बेहतर स्किन टोन देगी। हमने जो है हल्दी 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे लिया है और हमने हल्दी को जो है गरम किया है। यहाँ पे मैंने हल्दी ली है इसका करण ताकि ब्राउन हो जाए और तब हम इसे यूज़ करेंगे। हमने इसको गैस पे पकाया है और इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने रख देंगे, अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ली है जो हमने ब्राउन करी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है आयुर्वेदिक हिमालय का पील ऑफ ऑरेंज मास्क। जी हाँ, मैं मोस्टली जो है इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। और अब मैंने जो इसको इसमें डाल दूंगी। गाइस, ये जो फेस पैक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक चीज़ें जो है आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है। तो ये आपको स्किन को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती है। तो ये डालने के बाद ये आपको सिर्फ मात्र 10 रुपये में कहीं से भी शॉप से अवेलेबल आसानी से हो जाएगा। अगर आपको लगे ये थोड़ा टाइट हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लें। आपको पानी जो है इसमें यूज़ नहीं करना है, आपको रोज़ वाटर से इसको लाइट करना है। तो यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर डाल दिया है इसमें और हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। हमारा जो चारकोल फेस पैक है वो तैयार हो चुका है। जी हाँ, कितना ज़्यादा इसको बनाना आसान था। अब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। मेक श्योर आपका जो फेस है वो पहले साफ होना चाहिए। आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और ये जो है इसकी जो लेयर है वो आपको काफ़ी पतली लगानी ताकि ये आसानी से सूख जाए और जो ब्लैक हेड्स है और वाइट हेड्स हैं वो भी निकल जाए और आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग हो जाए और टाइट हो जाए। अगर लूज स्किन है तो वो टाइट हो जाएगी, विदाउट स्पॉट्स हो जाए। जी हाँ, इसको लगाने के बाद पूरे फेस पे अब आप जो है इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। खास बात ये है, ये जो केमिकल से फ्री है और ये जो मास्क ये हमने चारकोल बनाया है ये जो है आपको बिना किसी केमिकल के मिलेगा। और साथ ही इसमें जो हल्दी और जो गुलाब जल ऐड है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और आपकी स्किन को हेल्दी रखने बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। 10 से 15 मिनट तक जो है आपको इसको रखना है। इसके बाद जो है ये सूख जाएगा और आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में निकालना है। जी हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में निकालना है ताकि आपकी जो फेशियल हेयर है वो भी निकल जाए आराम से। और आराम से निकालना, ज़्यादा तेज आपको उसको नहीं खींचना। आपकी स्किन पर जो है स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ सकते हैं। आराम से अपनी फिंगर की हेल्प से आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे। पूरा मास्क निकालने के बाद जैसे कि आप देख ही रहे हैं गाइस, इसकी जो रिजल्ट है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इसके रिजल्ट अमेजिंग लगते हैं। आप भी जो है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जो इसका यूज़ करके देख लीजिए। मैं कह नहीं रही हूँ कि आपको, अगर आप लोगों को लगता है कि शायद इसका इफेक्ट जो है वो नहीं है, तो आप इसका यूज़ करके देखें कितने ज़्यादा इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे हैं। इसका यूज़ करें और आप जो है इस अपने जो रिजल्ट है वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। एंड सी यू सून अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।